अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और व्यू जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 32 में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिकॉर्ड को एडिट करना और डिलीट करना सीखेंगे, जो कि यूज़र क्रड पर हम काम करें। तो उसमें हम रिकॉर्ड को एडिट भी करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में और डिलीट भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 और व्यू जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने जो कोड है वो यूज़र कम्पोनेंट का, वो तमाम का तमाम रोल कम्पोनेंट से कॉपी किया है। तो इट मीन्स उसका जो डिलीट वाला फंक्शन है वो सेम एज़ इट इज़ काम करेगा। कुछ चेंजेस हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में की थी, जब हमने यूज़र्स डाटा को ख़त्म करके सिर्फ यूज़र्स किया था, पेजिनेशन का इशू आ रहा था, तो हमने दोबारा उसको डाटा के साथ अटैच कर दिया। तो अगर अभी मैं यहाँ पर लास्ट पेज पे जाता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये जो अमजद कामरान है, और मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ कंसोल में, तो यहाँ पर अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें एरर देता है कि दिस यूज़र्स डॉट इंडेक्स ऑफ इज़ नॉट अ फंक्शन। इट मींस कि हमारा जो डिलीट आइटम वाला फंक्शन है यूज़र कंपोनेंट में, यहाँ पर जो डिलीट आइटम वाला हमारा फंक्शन था उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर दिस डॉट यूज़र्स डॉट इंडेक्स ऑफ यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम डाटा के अंदर डाटा का सारा वेरिएबल जो डाटा है उसके अंदर सारा हमारा रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर हमें डाटा डॉट इंडेक्स ऑफ लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से दिस डॉट यूज़र्स डॉट डाटा डॉट स्प्लाइस करना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द डाटाबेस। और अगर हम डाटाबेस में जाते हैं, हम आई मीन कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पर डिलीट वाला फंक्शंस देखते हैं हम यहाँ पर, सो ये क्या करेगा, यूज़र को फाइंड करेगा एंड देन रिस्पॉन्स करेगा, यूज़र को सक्सेसफुली डिलीट करके रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, यूज़र जो भी उसने यूज़र जिसको भी डिलीट किया। और उसके बाद हम उस रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज टोस्ट अप करेंगे और उसको उसमें से रिकॉर्ड में से विजुअल में से भी रिमूव कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब अगर मैं रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। मैं लास्ट पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। सो पूछ रहे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम? ओके, सो ये लीजिए, हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से चूंकि हम इस वक्त पेज नंबर 5 पा रहे हैं, तो इसमें अब ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अब ये रीसेट का बटन आ रहा है। तो अब हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास अब आप देख सकते हैं 4 पेज बकाया रह गए हैं, हमने वो जो लास्ट रिकॉर्ड था वो सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से अब हम इस रिकॉर्ड खलील को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड को यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एंड देन ये रिकॉर्ड यहाँ से, ये देखिए 20 नंबर रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है और मैसेज भी आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये था सिंपल वे रिकॉर्ड को डिलीट करने का तरीका। अब इसके साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि इस रिकॉर्ड के साथ एक प्रोफाइल भी क्रिएटेड है, हमने वो प्रोफाइल अभी रिमूव नहीं की, तो उसको रिमूव किस तरीके से हम करेंगे उसको भी अभी हम देखते हैं। तो रिकॉर्ड जो रिलेटेड रिकॉर्ड है, जो कि प्रोफाइल के टेबल में उस करंट यूज़र का रिकॉर्ड है, उसको रिमूव करने के लिए जिस तरीके से हमने कंट्रोलर के अंदर अटैच किया था रिकॉर्ड को, यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने यूज़र को सेव किया था तो हमने रोल को एसोसिएट किया था, उसके बाद हमने यूज़र प्रोफाइल सेव किया था न्यू प्रोफाइल, तो वो न्यू प्रोफाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा यहाँ पर यूज़र आ जाएगा, तो हम उस यूज़र को फाइंड करके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोफाइल कॉलन कॉलन वेयर, और यहाँ पर अब हम जिस आईडी से भी यूज़र के अंदर हमारे पास उसकी आईडी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी कॉमा यूज़र आईडी डिलीट। सो अब हम ये क्या कर रहे हैं कि प्रोफाइल में से जिस तरीके से हमने यूज़र फाइंड आईडी डिलीट किया,
इसी तरीके से प्रोफाइल वेयर यूज़र आईडी और यूज़र, इस यूज़र की आईडी को हम, बल्कि हम यहाँ पर इस आईडी को यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा फिजिबल रहेगी जो आईडी हमने यहाँ पर पास की है। इस तरीके से ये यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद क्योंकि हमारे जो प्रोफाइल के टेबल में वो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है वो रिलेटेड टेबल है, तो हम इसको सेव करेंगे इस तरीके से। सो इस तरीके से हम उस रिकॉर्ड को भी रिमूव कर देंगे रिलेटेड टेबल में से। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पर लास्ट पेज पे जाता हूँ और ये हमारे पास रिकॉर्ड नंबर I19 है। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर मैंने ओपन किया है SQL Pro को और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर 19 रिमूव होता है या नहीं होता। सो प्रोफाइल्स के अंदर यहाँ पर ये जो दो रिकॉर्ड्स हैं ये हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हमने वो डिलीट वाला फंक्शन अटैच नहीं किया था तो इसलिए वो रिकॉर्ड रिमूव नहीं हुए। अब रिकॉर्ड नंबर 19, यूज़र आईडी जिसकी 19 है, तो उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कासिम अली है, इनको मैं रिमूव करने लगा हूँ, डिलीट और ओके करूँगा। सो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ से भी आप देखेंगे कि रिकॉर्ड नंबर 19 अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं 5, 3, 2 इन रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, रिकॉर्ड नंबर 5 है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए रिकॉर्ड नंबर 5 मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट किया, ओके किया, अब ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे रिकॉर्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5 रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर नहीं है। तो ये है तरीका प्रॉपरली रिलेटेड टेबल्स को रिमूव करने का विद रिकॉर्ड, जो आप रिकॉर्ड रिमूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड को हम एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, ऑलरेडी कोड हमने की लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें यूज़र कंपोनेंट डॉट व्यू में, तो हमारे पास जो सेव वाला मेथड है, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो पोर्शन है एल्स से ऊपर वाला, ये है रिकॉर्ड को एडिट करने वाला। अब इसमें हम देखें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सबसे पहले हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, ये इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि समटाइम ये जो हमारे पास ये क्लोज मेथड है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर्टन यूज़र्स के लिए। हो क्या रहा है कि जितनी देर में वो यूज़र डिलीट होता है इतनी देर में हमारा टाइम आउट हो जाता है, 300 सेकेंड जो मैसेज आता है, तो वो एडिटेड इंडेक्स फिर -1 हो जाता है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट असाइन जो है वो पुश नहीं होता और हमें वो अपडेटेड रिकॉर्ड शो नहीं होता। तो यहाँ पर हम वही एडिटेड इंडेक्स पास करेंगे, लेकिन अगेन ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है, जब हम इसको असाइन करेंगे तो यूज़र्स डॉट डाटा करेंगे। इसी तरीके से हम जब यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास यहाँ पर दिस डॉट यूज़र डॉट इंडेक्स कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से यूज़र की आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट करेंगे, दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट आईडी, मतलब जो हमारे पास एडिटेड आइटम का वेरिएबल है यहाँ पर एरे है, उसमें हमारे पास आईडी भी होनी चाहिए ताकि हम उसको पास कर सकें। सो ये आईडी हमारे पास बेसिकली ये वाली जो आईडी है, ये वाली आईडी है, तो ये आईडी भी यहाँ से हमें पास होगी। और फिर अब उसके बाद हम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको एडिट करेंगे। तो चलिए अब इसको एडिट करते हैं फाइंड करके। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सेव में, तो यहाँ पर ये असाइन हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मिस्टेक जो ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं सपोज़ मैं इस सब्सक्राइबर को दूसरा रोल देना चाह रहा हूँ, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमें अगेन एक एरर देखने को मिलता है कि दिस यूज़र्स डॉट इंडेक्स ऑफ इज़ नॉट अ फंक्शन। सो इट मीन्स जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो अगेन हमारे पास जो एडिट आइटम है उसमें वो आइटम असाइन नहीं होता, उसकी एडिटेड इंडेक्स की की असाइन नहीं होती, बिकॉज अगेन यहाँ पर डाटा मौजूद नहीं है वेरिएबल। सो अगर आपको ये एरर आए दिस डॉट यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ का, तो इसके साथ डॉट डाटा लगा लीजिएगा। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा। सेव करने के बाद यहाँ पर ये रीलोड हुआ। अब मैं ये कामरान हाँ जो यूज़र आई डी 2 है इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बटन जो है वो डिसेबल है, क्योंकि
यहाँ पर हमें पासवर्ड उसका रीटाइप करना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पासवर्ड, क्योंकि एडिट हम सिर्फ उसका नेम और रोल एडिट करना चाह रहे हैं, ईमेल भी हम उसका सेम रखना चाह रहे हैं, ईमेल को भी एडिट नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम क्रिएट ज़रूर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे इसके अंदर अपने कंपोनेंट के अंदर, यूज़र कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर जो हमारे पास पासवर्ड वाला सेक्शन है, जो कि ये है एक आर पासवर्ड और नॉर्मल पासवर्ड वाला, ये जो दोनों हमारे पास कॉलम्स हैं, इन दोनों को मैं यहाँ से कट करूँगा और ईमेल वाले सेक्शन से ऊपर इनको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। अब ये मैंने इसलिए किया, सॉरी गलत जगह पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करना था, तो ताकि वो हमारे पास दोनों रोज़ भी रहें। हम चाहें तो पासवर्ड और आर पासवर्ड को एक ही रो में रख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉलम्स, अगर हम रखना चाहें तो। तो अब मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से इसलिए रखा है कि अब मैं इस पूरी रो को, जिसमें हमारे पास एक पासवर्ड फील्ड है, एक रीटाइप पासवर्ड फील्ड है और एक ईमेल फील्ड है, हम इनको एडिट नहीं करने देना चाह रहे यूज़र्स को, सिर्फ और सिर्फ वो एडिट कर सकते हैं रोल्स को, एडमिन जो भी है, एडमिन उसका रोल एडिट कर सकता है और उसका नेम एडिट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, एडमिन भी उसका पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम, क्योंकि इसको हम सेपरेटली इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं चेंज पासवर्ड वाला फीचर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिसेबल कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे वी इफ़ इज़ इक्वल टू एडिटेड इंडेक्स इज़ इक्वल टू -1। अब हमें पता है कि -1 उस सूरत में है जब रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हों, जब रिकॉर्ड एडिट कर रहे होंगे तो ये -1 नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन -1 होगा, यानी 1 होगा, जो कि हम यहाँ पर एडिट आइटम के अंदर असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए, ये देखिए यहाँ पर हम इसको एडिटेड आइटम को ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, सॉरी एडिटेड इंडेक्स को आइटम असाइन कर रहे हैं, अदरवाइज ये एडिटेड इंडेक्स जो है ये -1 है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एडिटेड इंडेक्स इनिशियलाइज एंड एडिटेड इंडेक्स, ये देखिए ये है हमारे पास दिस डॉट एडिटेड इंडेक्स इज इक्वल टू -1। सो -1 होगा तो इसका मतलब है रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, और -1 नहीं होगा तो इट मींस हम जो है वो रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं। तो उस सूरत में ये पूरी रो यहाँ तक शो नहीं होगी। सो इसके बाद मुझे ये जो रोल्स वाला सेक्शन है इसको भी यहाँ से कट करना होगा, और इसके लिए अलग से हम रो क्रिएट करेंगे इसकी, इसलिए क्योंकि अदरवाइज ये भी फिर शो नहीं होगा। सेव किया, अब ये रीलोड होने दें इसको, अगर कोई एरर नहीं आया तो अब हम यहाँ पर एड न्यू पे करते हैं। तो हमारे पास ये नेम और सिलेक्ट रोल आ रहा है, इसको यहाँ पर शो करना चाहिए था, और सॉरी एडिटेड आइटम मैंने एडिटेड इंडेक्स करना था। सो अब ये जो है वो मिनट, मुझे ये इसको तो एडिटेड इंडेक्स को -1 करना था, सॉरी माय मिस्टेक, तो मैंने एडिटेड आइटम को कर दिया था। तो अब ये रीलोड हुआ, ऐड न्यू यूज़र करते हैं। सो अब हमारे पास सारी फील्ड्स आ रही हैं, नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ईमेल और रोल आ रहा है, लेकिन जब मैं इस रिकॉर्ड को एडिट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ नेम और उसका रोल ही हमें नज़र आ रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सेव का बटन भी इनेबल्ड है ताकि हम इसको चेंज कर सकें। अब इसका जो सर्वर साइड कोड है वो भी अब हम लिखेंगे। तो इसका अपडेट का जो मेथड है, चूँकि हमारे पास सिर्फ दो ही फील्ड हैं नेम और रोल, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे सर्वर साइड पर, और यहाँ पर जो हमारे पास यूज़र कंट्रोलर के अंदर अपडेट का मेथड है उसमें हमारे पास रिक्वेस्ट और आईडी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसमें हम इस यूज़र को फाइंड करेंगे, यूज़र फाइंड उसकी आईडी, फिर उसका यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट नेम सेट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र रोल डिसोसिएट करेंगे इसको। पहले हमने एसोसिएट किया था, जब हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया था, स्टोर किया था, तो हमने एसोसिएट किया था। सो एसोसिएट और इसमें थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है
कि इसमें सिर्फ हमें डी आई लगाना है, सो डिसोसिएट हो जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर हमें रोल को फाइंड करके रोल की वैल्यू को सेम उसी तरीके से हम उसको डिसोसिएट कर देंगे और नई वैल्यू को एसोसिएट कर देंगे. सो रोल इज इक्वल टू रोल नॉट फाइंड वेयर नेम कॉमा रिक्वेस्ट रोल, और उसके बाद हम उसको फर्स्ट फाइंड करेंगे, और उसके बाद इसको हम बल्कि हमें यहाँ पर अगर हम रिक्वेस्ट के साथ फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली न्यू रिकॉर्ड आ रहा है, ओके हो गया, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा. हम उस यूज़र को फाइंड करेंगे और फिर रोल हम फाइंड करेंगे. सो रोल इज़ इक्वल टू रोल वेयर, बल्कि फाइंड अब हम यूज़ कर सकते हैं, फाइंड और यूज़र रोल अंडरस्कोर आईडी, हम इस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं उसको यूज़र रोल, और हम उसके बाद उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसके बाद वो यूज़र रोल में जो भी उसका डाटा होगा वो इस रोल में आ जाएगा, और अब हम इसको डिसएसोसिएट कर देंगे इस तरीके से, और दोबारा हम उसको एसोसिएट कर देंगे और अब इस एसोसिएशन में हम यहाँ पर इसको वो वाला रिकॉर्ड पास करेंगे जो हमने एक्चुअली न्यू रोल को असाइन किया है. सो हमारे पास जो न्यू रोल होगा वो हम वही फाइंड करेंगे, रोल वेयर नेम कॉमा रिक्वेस्ट रोल फर्स्ट. तो हमने न्यू रोल को फाइंड किया, यूज़र को फाइंड किया, रोल ओल्ड उसके रोल को फाइंड किया, और उसके बाद यहाँ पर हम बल्कि यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यूज़र रोल, तो ये हमें एक्स्ट्रा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम सिंपली न्यू रोल के बजाय रोल कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको एसोसिएट कर देंगे रोल को, उसके बाद यूज़र को सेव करके रिटर्न कर देंगे, और अगेन हमें यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया था वही चीज़ यूज़ करनी है कि यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड हम अपडेट कर रहे हैं, तो यूज़र न्यू यूज़र रिसोर्स और उसके अंदर हम यूज़र पास करेंगे ताकि तमाम की तमाम सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन पास हो जो हमने यूज़र रिसोर्स के अंदर क्रिएट की थी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में. तो ये सेव हो गया, अपडेट हो गया रिकॉर्ड. अब हम इसको सब्सक्राइबर की बजाय ऑथर रिकॉर्ड असाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऑथर सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ. ये कह रहा है एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास कॉल टू अनडिफाइंड मैथड एसोसिएट, या डेफिनेटली ट्रिपल एस आ गया, तो इसको सेव करेंगे, तीन दफ़ा ऐसा आ गया था, ओके हो गया, रिफ्रेश हो गया. तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को एडिट करेंगे और अब मैं इसको असाइन करता हूँ ऑथर, सेव किया और रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड कामरान खान को ऑथर रोल असाइन हो चुका है. अगर मैं रीलोड करूँगा तो हमारे पास इसमें ऑथर ही आएगा. इसमें हम इसको नेम सर्च हमारा काम कर रहा है, हाँ ठीक है, सर्च काम कर रही है, ओके. तो ये हमारे पास अब अपडेट का रिकॉर्ड हो चुका है. अब ये था हमारा आज का एडिट और डिलीट का. अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ़ोटो को इनलाइन एडिटिंग करना सीखेंगे कि अगर मैं यूज़र की प्रोफाइल इमेज चेंज करना चाह रहा हूँ या यूज़र ख़ुद चेंज करना चाह रहा है तो इस किस तरीके से हम इनलाइन एडिटिंग को यूज़ करते हुए इसको एडिट कर सकते हैं. तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसको देखेंगे, और ये वीडियो ट्यूटोरियल एक दो में यहाँ पर ये हमारा जो सीरीज़ है ये रैप अप हो जाएगी. इसके बाद अगर कोई नई चीज़ आएगी तो वो हम उसमें ऐड करते रहेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.